लाइफ साइंस क्लास 10 पार्ट 3 जीवन की निरंतरता। आपके सामने एक प्रश्न है, क्या उत्तर आपको पता है? सम सूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था के दौरान केंद्रक में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। चलिए उत्तर देखते हैं, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। माइटोसिस की सबसे लंबी अवस्था प्रोफेज के दौरान केंद्रक में होने वाला परिवर्तन को हम लोग निम्न रूप से लिख सकते हैं। पहला, केंद्रक के अंदर जल की मात्रा कम होने लगती है, जिसके फलस्वरूप क्रोमेटिन स्पष्ट और मोटा होकर एक मोटे धागे के आकार का रूप ले लेता है, जिसे क्रोमोनिमा कहते हैं। यह शीघ्र ही टूटकर धीरे धीरे विभिन्न आकार के क्रोमोजोम को जन्म देती है। इस प्रकार के बने गुणसूत्र पतले तथा मुड़े हुए होते हैं तथा बाद में मोटे और सीधे हो जाते हैं। तीसरा, प्रत्येक गुणसूत्र लंबाई में दो भागों में विभाजित हो जाता है, किंतु उनका विभाजन गुणसूत्र बिंदु पर नहीं होता है। गुणसूत्र के आधे भाग को अर्धगुणसूत्र कहते हैं और अर्धगुणसूत्र बिंदु के स्थान पर ही ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। केंद्र झिल्ली धीरे धीरे गायब होने लगती है, केंद्रक भी अदृश्य हो जाता है। सेंट्रोसोम का सेंट्रोस्फियर गायब हो जाता है, इसकी सेंट्रियोल विभाजित होकर दो पुत्री सेंट्रियोल उत्पन्न करती है। ये सेंट्रियोल विपरीत ध्रुवों की ओर गति करके अंत में अपने अपने ध्रुवों पर पहुंच जाती है। इन सेंट्रियोल के बाहरी सिरों तक तारक किरणों तथा बीज के तर्क तंतु स्पाइनल फाइबर उत्पन्न होता है। तर्क तंतु का निर्माण कोशिका द्रव्य द्वारा होता है। इसके साथ ही गुणसूत्र कोशिका के मध्य भाग की ओर आने लगते हैं। इस तरह उत्तर पूरा हुआ। धन्यवाद।